रेडफुल में जा रही है नाजी के साथ एफएम 107 पे 10:24 ऑन द क्लॉक और शेरशाह की राह भी क्लियर करते हैं बात इन व्हाट्सएप फिल्मी आओ व्हाट्सएप फिल्मी डिंका चिका आओ रिलीज होगी जी हाँ मेकर्स के मुताबिक ये फिल्म जो है वो इंडिपेंडेंस डे के आसपास यानी मिड ऑफ अगस्त में रिलीज के लिए है तैयार. वहीं दूसरी तरफ एक और अपकमिंग कॉम्बो जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है. देखा जाए बॉलीवुड में ना अच्छी फिल्में और कमर्शियल सक्सेस का कॉम्बो बहुत ही मुश्किल है. बहुत कम किस्सों में ये दोनों एक साथ हाजिरी लगाते हैं. तो आनंद एल राय जो अच्छे डायरेक्टर हैं अच्छी फिल्में बनाते हैं इसमें कोई दो राय नहीं, मगर बतौर डायरेक्टर वो पिछले 6 सालों से कमर्शियल सक्सेस की तलाश में है क्योंकि 2015 की तनु एक्स मनु के बाद 2018 की जीरो से करियर ग्राफ जीरो हो गया. फिर आई नील बटे सन्नाटा मनमर्दियां जो कि काफी एवरेज मूवीज रही और इस बार कॉम्बिनेशन लेकर आए आनंद जी काफी तगड़ा कॉम्बिनेशन. पता है किसका है? इसका इसमें इस मूवी में जो है ना वो है अक्षय कुमार, धनुष और ए आर रहमान. जी हाँ ए आर रहमान का म्यूजिक है. अतरंगी रे से करने वाले हैं बड़ा वाला कमाल. और एक और कमाल किया है किसी ने सोनू सूद ने. जी हाँ वो भी वापस आकर बात करूंगी लेकिन अभी के लिए सुखविंदर की आवाज में एंजॉय कीजिए कमाल का ट्रैक. जय सिंह की आवाज में कोई फरियाद तुम बिन 2001 की मूवी जबरदस्त सा ट्रैक. और कोई फरियाद ऐसी है ही नहीं जिसे इस बंदे ने ना सुना हो. इसीलिए लोग इसे हीरो कम मसीहा ज्यादा कहते हैं. चलिए करते हैं पूरी बात इन माइक साउंड वेलकम बैक आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़ी के साथ एफएम 107 पे. और सोनू सूद एक ऐसा नाम जिसे जब जब जिस जिसने पुकारा इस रियल और रील हीरो ने हमेशा मदद की. जी एक्टर ने ना हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कवरेज. कवरेज के जरिए जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं ये ऐप उनके लिए कारगर साबित होगी. जी रूरल एरियाज में लोगों के दिल में वैक्सीन को लेकर डर है वहीं जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने में काफी परेशानी हो रही है. तो इसी वजह से सोनू ने इस ऐप को लॉन्च किया है. ये रजिस्ट्रेशन के अलावा कोविड रिलेटेड क्वेरीज भी अटेंड करेगी जैसे वैक्सीन लगवाने को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं मिथ्स हैं वो भी क्लियर होंगे. तो ये न्यूज वैसे तो सोशल मीडिया पर कवर की जा रही है धड़ल्ले से वहीं अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज से बाहर है. जैसे कहते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं वैसे अच्छी बातें बताने से बढ़ती हैं. इसी तरह अच्छी सी बात बताते हुए अच्छे से ट्रैक की तरफ मैं भी बढ़ जाती हूँ. हैशटैग पर भी जा रही है नाज़िया के साथ 11 ऑन द क्लॉक और आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ एफएम 107 पे. और आप बात करने वाली हूँ कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन कहरामा कतारा के जिन्होंने मिलकर इंस्टॉल किया 19 फास्टेस्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन द स्टेट ऑफ कतर जो कि पूरी तरह से कार को चार्ज कर देगा वो भी 10 मिनट से भी कम टाइम के अंदर. जी 100 चार्जिंग स्टेशन का प्रोजेक्ट है और ये स्टेशन इंस्टॉल किए जाएंगे नियर टू शॉपिंग मॉल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग, होटल्स, मेट्रो स्टेशन, इंटरसेक्शन. इनमें से 20% स्टेशन विल बी implemented with renewable and clean energy system. Wow, that's fantastic. वहीं दूसरी गुड न्यूज ये है कि नेशनल कोविड 19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चलते कतर ने 3 मिलियन वैक्सीन डोज देने का माइलस्टोन क्रॉस किया है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. कुछ 19,575 वैक्सीन जो है वो 24 घंटे के अंदर दी जा चुकी है. वहीं 40 और इससे अबव के एज ग्रुप के लोगों को जो है वो 80% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज मिल चुकी है. वहीं पर 98% वो लोग जो कि 50 या उससे अबव एज ग्रुप के हैं उनको दोनों डोज दी जा चुकी हैं. 161 पीपल जो हैं लोग जो हैं वो रिकवर किया उन्होंने 24 आवर्स में और नो डेथ न्यूज रिपोर्टेड इन 24 आवर्स विच इज अगेन अ फैंटास्टिक थिंग. और ये हम सबकी मिली जुली कोशिश का ही नतीजा है. इसी खूबसूरत खूबसूरत सी न्यूज जबरदस्त सी न्यूज के साथ बढ़ जाते हैं खूबसूरत से ट्रैक की तरफ. मैंने प्ले करें और मैं आप लोगों को ये जरूर हिंट दूंगी कि आप मुझे बताइए वो दो कौन से हो सकते हैं. कभी की पूरी जो प्ले लिस्ट है वो जरूर सुनिए और मुझे बताइएगा गेस करके कि दो मेरे फेवरेट कौन से हैं. Hashtag filmy hai with RJ Nazia only on FM 107. 107. Dil se desi.
गली गली उतरने वाला है क्योंकि उदित नारायण और अलका याग्निक ने कहा है इतना खूबसूरत है, यकीन नहीं आता। तुम्हें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, पर कसमें खाने के बाद मर मिटने की बात। हाँ जी, और मैं तो आ गई और हैशटैग फिल्मी नाज़ी के साथ जा रही है फिल्म 107 पे। और अब वक्त है जहाँ मैं आखिर से शुरू होती हूँ, शुरू से आखिर तक आपको सुनना होता है और सुनने सुनाने के बीच में आपको मुझे बताना होता है कि फिल्म एक्चुअल में है कौन सी। जब भी कोई लड़की देखे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव। कहानी कुछ ऐसे होती है कि एम्बिशन मिशन समटाइम्स एंडेड विद सम सबमिशंस। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस स्टोरी का क्लाइमेक्स एक ऐसे बेबस फादर के जज्बात को बयां करता है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू हर वाइफ, जो कि इस वक्त एक एस्टेब्लिश एक्ट्रेस होती है। एज अ फादर, ये शख्स अपने बेटे की कस्टडी अपने पास रखने के लिए अपने बेस्ट सॉन्ग्स को बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर बेच देता है और अपने वकील यानी लॉयर को बोलता है कि तुम ईमानदारी से केस लड़ना, किसी भी तरह के फॉल्स और फैब्रिकेटेड एलिगेशंस मेरी वाइफ पर मत लगाना, उसकी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। यानी अगर माना जाए, देखा जाए तो कितने अच्छे दिल का ये शख्स यानी अच्छा हस्बैंड दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस एक्ट्रेस ने जो कि एज अ मदर अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए केस लड़ रही है, वो शहर के सबसे अच्छे वकील को हायर करती है और केस भी जीत जाती है। मगर जीत की खुशी कुछ फीकी सी हो जाती है जब वो अपने बेटे की आंखों में आंसू देखती है। उसे एहसास हो जाता है कि शायद बच्चे की असल खुशी माँ बाप दोनों के साथ रहने में ही है। एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर। ये तो हुआ एंड। और कहानी की शुरुआत होती है एक एस्पायरिंग प्लेबैक सिंगर से जिसकी मुलाकात होती है एक एम्बिशियस क्लासिकल सिंगर से। दोनों मिलते हैं एंड दे रिलेट ईच अदर सेंटीमेंट्स एंड गेट मैरिड प्रीमैच्योरली। मैं तो यही कहूंगी एटलीस्ट। फिर लड़की के ख्वाब, उसके एम्बिशंस जो है वो सारे के सारे पीछे रह जाते हैं। घर और बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आगे बढ़ जाती हैं, जिसके चलते वो पैशन को परस्यू नहीं कर पाती। फिर होती है फ्रस्ट्रेशन का शिकार और शिकार होने के बाद घर छोड़ने का फैसला करती है। जी हाँ, देखा जाए तो ख्वाब पूरे करने के लिए ख्वाबों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। यही स्टोरी बखूबी समझाती है। और अगर आपको समझ में आ गया स्टोरी कौन सी है तो मुझे बताइए 666-2107 पर। और अभी के लिए खूबसूरत सा ट्रैक कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज में बिन तेरे सर। आपको मूवी याद है? जवाब मैं यही चाहती हूँ कि आप भी ये कहें कि हाँ हमें याद है। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़ी के साथ FM 107 पे 11:33 ऑन द क्लॉक। और कोई हमें कॉल करने लगा तो मैसेज आगे पीछे हो गए। ओके, तो वो लोग जिन्होंने हमें बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं तो उन लोगों के नाम जो है ना सबसे पहले हम इंक्लूड कर लें। आफ्ताब शाहिद जी हैं, आरिफ खान हैं, सैयद खादिम हुसैन हैं, हामिद अली हैं, विक्रांत चौधरी हैं, मोहम्मद इलियास, विपिन, सुरेश कुमार, जहांगीर आलम, विलायत हुसैन, राजेश सिंह, अजहर हुसैन, नसीम मियां, अनवर अहमद, सईद खान, विक्रम जी और मुमताज हुसैन। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। क्या ही बात है। और कुछ और लोग जो हैं उन्होंने थोड़ा सा गलत गेस किया है, सो कोई मसला नहीं है, मैं थोड़ा बहुत क्लू दूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना सही गेस कर लेंगे। वहीं शेख नूर जी, अर्जुन रॉय जी ये भी गेस कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सही मूवी तक पहुंचने के लिए। थैंक यू अब्दुल अजीज जी हैं, हमारे शो को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। वहीं गोपाल दास जी हमें बहरेन से सुन रहे हैं, उन्होंने भी ढेर तारीफ लिखी। थैंक यू अबू जैद जी, आपका दुबई से मैसेज है और हमने इंक्लूड कर लिया। फिलहाल बढ़ जाते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। वापस कर आपसे होगी हमारी बात और साथ ही कौन सी है फिल्म ये मैं आपको बताऊंगी। साथ FM 107 पे 11:50 ऑन द क्लॉक और हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर, करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, अभी आफ्टरनून नहीं हुई। आप ही है? अभी 10 मिनट। सही है, सही है, लेकिन ये बीच में जो है ना आदमी को कंफ्यूजन हो जाती है कि हाँ नहीं, बिल्कुल फील तो आफ्टरनून वाली ही है, फील तो है। अच्छा जी, अनवर जी, तो आप मुझे बताएंगे कि सही मूवी क्या है, नाम बताएंगे? जी बिल्कुल बताएंगे, गेस किया तो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। मूवी है आमिर खान की मूवी 1995 की, अकेले हम अकेले। क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा ये मूवी आपने देखी है फॉर श्योर, ये तो आप क्लियर जी, जी, मैसेज भी किया। इस तरह की मूवी, इस तरह की मूवी अनवर पसंद करता है ना, यही तो बात है। हर मूवी है आजकल की मूवी कितना, 2010 के बाद गिने चुने मूवी मैंने देखा है।
बाकी तो 90s की मूवी छोड़ने का किधर बात, 90s की मूवी थी जबरदस्त जबरदस्त। आमिर खान शाहरुख खान अजय देवगन अक्षय कुमार जैसा मूवी छोड़ने वाले कब थे, उसके दौर में इन्हीं लोग का तो चलती था। नहीं आज भी चलती, आज भी लोग इनकी मूवी आते थे, नहीं छोड़ते हैं भले ही वो राजा जैसी हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब वो वाली बात खैर नहीं है, इतना भी हो अब वो वाली बात नजर नहीं आती, जो था वो वक्त गुजर गया। खैर बात है, आप तो बिल्कुल ऐसे बोल रहे जैसे क्रिटिक्स कहते हैं ना। अच्छा अब मैं आपका ना टेस्ट लेने वाली हूँ। ओके ये मूवी तो आपने देखी है, आपने अभी बताया इस मूवी में आमिर खान आमिर खान का इस मूवी में नाम क्या था, रोहित कुमार था या राहुल कुमार? नहीं रोहित। क्या बात है, कितना आसान देखिए मैं आपसे पूछ रही होती हूँ। अच्छा इस मूवी में आमिर और मनीषा का जो बेटा होता है उसका नाम क्या होता है, सुनील होता है कि सोनू होता है? सोनू जी। वैसे इसका नाम सुनील होता है, घर में इसको सोनू कहते हैं। राइट ऑल राइट। अच्छा इस मूवी का म्यूजिक किसने दिया था? नवीन शर्मा। नो। जतिन ललित। एक लास्ट सेकंड। ऑप्शन तो देना चाहिए था इसमें, तो जितने ऑप्शन देना चाहिए उसमें आपने दिए ही नहीं। मैंने सोचा इसका म्यूजिक जो था वो इतना ज्यादा पसंद किया गया था, सारे के सारे सॉन्ग्स जो थे चार्ट बस्टर सॉन्ग्स थे, तो आई एम श्योर आपको पता होगा। अनु मलिक। क्या बात है, सॉलिड सॉलिड, बिल्कुल सही जवाब। इसी सही जवाब के साथ ढेरों मुबारकबाद आपको, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन एक सॉन्ग जो इसने बहुत ज्यादा पसंद किया गया था वो सॉन्ग लाजिम चलना चाहिए। कौन सा वाला था? यही वाला, राजा को रानी से प्यार हो गया। क्या बात है, मैं बच गई। बिल्कुल नेक्स्ट ट्राई यही आपके लिए, एंजॉय कीजिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय, अल्लाह हाफिज़। कभी कभी ऐसा होता है सीरियसली कि जो आप लोगों को पसंद हो वो हो सकता है मेरे पास उस वक्त नहीं हो लेकिन आज है। तो 1995 की रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे मंसूर खान ने डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था रतन जैन ने। इस फिल्म को देखा जाए तो उतनी सक्सेस नहीं मिली थी एंड द रीजन वाज इट्स अनयूजुअल स्टोरी। जहां क्रिटिक्स ने कहा था कि एक तरह से एज अ वुमन नना एज अ मदर फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए चाइल्ड एंड फैमिली, ऐसे में ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ऐसे मदर के साथ खुद को रिलेट नहीं कर पाएगी। फिर हुआ यूं कि इस स्टोरी पर काम किया गया और इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, चेंज भी ऐसा था जिसे उस वक्त की सोसाइटी शायद बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर पाती, यानी बच्चे को पेरेंट्स की बजाय ग्रैंड पेरेंट्स पालेंगे इस तरह की बात हो रही थी। वैसे देखा जाए ये मूवी जो थी वो 1979 की एक अमेरिकन फिल्म से अडेप्टेशन, मतलब अमेरिकन फिल्म की अडेप्टेशन थी। अमेरिकन सोसाइटी में वो सारी चीजें कॉमन थी इसलिए वो मूवी वहां पर हिट हुई, लेकिन एशियन कम्युनिटी में ये बातें आम नहीं थी, लिहाजा मूवी को लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया। लेकिन एक चीज जो था म्यूजिक जिसे भरपूर प्यार मिला, जी हाँ, ब्लॉकबस्टर म्यूजिक मजरू सुल्तानपुरी के बोलते और अनु मलिक का संगीत। आइए इसी खूबसूरत सी फिल्म के साथ खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय दिस। तरह तरह करते करते मैं तो आ चुकी हूँ पूरी तरह से, जी हाँ, हैशटैग फिल्मी आप सुन रहे हैं FM 107 पे 12:08 ऑन द क्लॉक। और अब बात करने वाले हैं ऐसा होता तो भी कैसा होता। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, ऐसा होता तो कैसा होता। ऐसा होता तो कैसा होता, इसमें आज हम बात करने वाले हैं द सेम मूवी अकेले हम अकेले तो। जी हाँ, पहले ये मूवी जो थी मंसूर खान ने गोविंदा को ऑफर की थी लेकिन उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल के चलते से मना कर दी। फिर ये स्टोरी गुमगाम के पहुंची अक्षय कुमार जी के पास जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया कहकर कि स्टोरी में दम नहीं है। फिर फाइनली मंसूर खान ने कन्विंस किया आमिर खान को। तो होता कुछ ऐसा है कि इस मूवी का एक सीन है जहां पर आमशोर अगर आपने देखी तो आपको याद होगा कि मनीषा जो है वो घर छोड़ने से जस्ट पहले कुछ सोच रही होती है और बैठ के वो आमिर की उस बात को सोचती है जहां वो ये कहता है कि हम दोनों की एक ही मंजिल है, एक ही ख्वाब है और हम दोनों इस मंजिल को एक साथ ही हासिल करेंगे, यानी इस मंजिल तक एक साथ पहुंचेंगे। तो घर छोड़ने से पहले दोनों के बीच एक जबरदस्त तरीके का आर्ग्यूमेंट होता है, यानी आपस में काफी झड़प होती है, काफी बातचीत होती है। तो पहले सीन जो था वो कुछ इस तरह से था कि आमिर मनीषा से कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स की तरह हो, खास करके अपनी माँ की तरह हो, बेहद जिद्दी और माँ होने के फर्ज को समझती
करती नहीं हो। ये कहने के बाद मनीषा जो है उन्हें आमिर को एक थप्पड़ मारना होता है। पहले ये सीन इसी तरह से शूट हो जाता है लेकिन बाद में इसे डिलीट करना पड़ा। एंड द रीजन वॉज द नासिर हुसैन इंट्यूशन। दिया नासिर हुसैन ने समझाया मंसूर खान को कि देखो जी मनीषा के कैरेक्टर एज अ मदर वैसे ही काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उसके बाद अगर इन्हें बुरी बीवी भी साबित कर देते हैं तो ऐसे में क्लाइमेक्स को भी पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। और इस तरह की नेगेटिव इमेज के बाद भले ही एंड अच्छा क्यों ना हो लेकिन ऑडियंस जो है ना उसके दिमागों में अच्छी वाली इमेज नहीं बनती, यानी वो अच्छी वाइब्स लेकर बाहर नहीं निकलते। शायद इसका नुकसान फिल्म को हो। वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही डिसीजन था और अच्छा किया इसको थोड़ा सा कम किया, बिकॉज ये फिल्म अपनी एक अनयूजुअल स्टोरी की वजह से हिट तो हुई नहीं थी। और अगर ये इस तरह का सीन आ जाता तो मनीषा के लिए आई थिंक कुछ ज्यादा ही मुश्किलें बढ़ जाती। फिलहाल मैं बढ़ जाती हूँ इसी मूवी से खूबसूरत से ट्रैक की तरफ, कुमार सानू अंतर की बिना जिंदगी बदल गई। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ एफएम 107 पे। देखो मौसम का हाल चाल तो मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिक से चली लू ने बढ़ा दी है गर्मी। जी हाँ, और ये गर्मी जो है वो दुनिया के सबसे ठंडे प्रांत साइबेरिया की जो है वो बढ़ चुकी है। यूं कहिए कि साइबेरिया में गर्मी ने 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, 48 डिग्री पहुंच गया टेम्परेचर। वैसे देखा जाए तो जून में यहां पर एवरेज टेम्परेचर जो है वो होता है -11 डिग्री, लेकिन इस साल यहां गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूरोपियन यूनियन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के मुताबिक ये ऐसा 120 साल बाद हुआ है जिसके बाद लोगों को घर में ही रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। 390 करोड़ की आजादी वाले साइबेरियंस जो हैं वो फिलहाल घर में हैं फिट, यानी उनको गर्मी की आदत तो है नहीं। वैसे देखा जाए तो यहाँ मुझे एक चीज याद आ गई, एक हमारा दौर होता था स्कूल में वो भी साइंस लैब के दौरान, जब हम ना प्रैक्टिकल सही से नहीं कर पाते थे तो हमें सीधा भेज दिया जाता था कि जी आप ना एसी के नीचे जाके खड़े होंगे। उस वक्त हम कहते थे कि अब हम आ चुके हैं साइबेरिया। वैसे मैं आपको ये भी क्लियर करती चलूं कि सिर्फ ये साइंस लैब में ही ऐसे होते थे, बाकी क्लासरूम्स में नहीं होते थे। हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है आजकल की वो भी गर्मी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चलिए साइबेरिया से सीधे आ जाते हैं कतर और आपको बताते हैं मौसम का हाल चाल। दोहा में मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 48%। वहीं वक्ता का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 54%। और साथ ही अलकोट का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 47%। वहीं दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस विद ह्यूमिडिटी 29%। इसी के साथ खूबसूरत सा ट्रैक उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, वापस आकर खैर हुई याद निकली आवाज, खूबसूरत सा ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं। हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ जा रही है FM 107 पे 12:41 ऑन द क्लॉक। वाला सुपर सॉन्ग था, आई एम श्योर आप सबने पसंद किया होगा, पक्का पक्का पक्का। ये सॉन्ग ही ऐसा है कि एक बार सुन ले तो आदमी बस होश आ जाता है ना। चलो जी, कहीं और भी मैं खो चुकी हूँ और कुछ बहुत ही जबरदस्त से प्यारे से मैसेजेस जो हैं वो आप लोग हमें भेज रहे हैं। उसमें मैसेज है भुलेंदर जी का जो कि सत श्री अकाल कहते हैं, कहते हैं मैम आपके शो को मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी बहुत पसंद करती है और वो शायद आपकी सबसे छोटी फैन है और मैम ये आपसे मिलना चाहती है। पक्का मैं फॉर श्योर जरूर मिलूंगी और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से उसको जरूर दीजिएगा। अच्छा जी, इसी के साथ मनासर जी हैं और वो हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही उन्हें अपने बेटे शाहजेब और जादान को भी सलाम लिखा है। सैयद खादिम हुसैन जी बहुत शुक्रिया। रखपाल जी को सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। वहीं मुमताज हुसैन ने हाय कहा है और कुछ पूछा है तो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ ये वाली बात। वहीं विक्रांत है जो उन्होंने हाय कहा, बहुत सारी तारीफें लिखी हैं। वेल थैंक यू गाइस। इसी के साथ मैं बढ़ जाती हूँ क्या अच्छा वेव की तरफ। सोचिए बताइए 666-2107 पर और अभी के लिए ओल्डी चुनरिया कुमार सानू अलकाया ने। वैसे एक चीज और, साजन बलोच ने सही गेस किया है एक सॉन्ग और दूसरा ये है। सेवन प्योर साथ हमारे जुड़ गए, कॉलर कर लेते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमरुल्ला दीवान। अमरुल्ला दीवान जी कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह
खैरियत तो आप और उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले भी खैर व खैरियत से होंगे आफियत के साथ। जी जी इंशाल्लाह जरूर जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप हमें बताएंगे कि सॉन्ग है कौन सा? ये है वो देखिए ये मेरे जीवन साथी मूवी का नाम है राइट, और गाने का बोले वो मेरे दिल के चैन चैन आए दिल को दुआ की। क्या बात है, और किसने किसने गाया इसे? किशोर कुमार साहब ने गाया इसे। अम्रिला जी छा गया, बिल्कुल सही जवाब। इससे मुझे लगता है कि आप जो है ना पुराने गानों के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। जी पुराने गानों का तो मैं शौकीन हूँ, पुराने गाने ज्यादा सुनता हूँ, और कभी भी फरमाइश भी करता हूँ तो ज्यादातर पुराने का ही करता हूँ। और पुराने फिल्मों में बहुत ऐसी फिल्म है जिसे मैं नहीं देखा हूँ लेकिन गाने जरूर सुना हूँ। ये भी मूवी मैं नहीं देखा हूँ लेकिन गाना मुझे मालूम है। गाना हिट था, सुपर डुपर हिट था। थैंक यू अम्रिला जी, थैंक यू सो वेरी मच, और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिल्म का जो आता है उसमें इतना कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा फर्स्ट नंबर आता ही नहीं है। नेवर माइंड, इंशाल्लाह जी, इसलिए आज मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि नंबर नहीं लगता है। जरूर लगेगा, कल से कोशिश करूंगा। कोशिश करेंगे तो जरूर लगेगा, जैसे अभी लग गया है ना। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो ये थे अम्रिला दीवान, इसके अलावा सही जवाब दिया अनवर अहमद जी ने, रियाज रईस जी ने, इफ्तिखार हुसैन ने, ब्रजेश कुमार, मोहम्मद तौसीफ और आशी आजम जी। और आज सबसे अच्छी वाली बात ये है कि आज जो है वो फेमस म्यूजिशियन आर डी बर्मन की बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो उन्हीं को याद करते हुए उनके इस खूबसूरत से ट्रैक की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये पल यही रुक गया है जस्ट बिकॉज किसी की एंट्री हो चुकी है स्टूडियोज में। सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो? हैप्पी संडे। हैप्पी संडे माय डियर, इसमें इतना हैप्पी बिल्कुल नहीं, हैप्पी वीकेंड तो चल जाता है। नहीं, दो दिन की छुट्टी के बाद आए तो जरा मतलब खुशी तो होती है ना। ओके, सो सुपर एक्साइटेड और बहुत कुछ नया लेकर आ चुकी है महविश, चुकी और मेरा वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि सुबह 10 बजे आपकी हमारी होगी मुलाकात। सुनते रहिए एफएम 107, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। तक फिल्मी जारी है नाजे के साथ एफएम 107 पे 10